नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों समय आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और आइए सबसे पहले बात करते हैं एक सांसद नहीं बल्कि एक मजबूर पिता की। एक पिता का अरमान होता है कि वो अपने दिल के टुकड़े को घोड़ी चढ़ते निहारे, लेकिन भूरिया के भाग्य में ये दिन ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं। कांतिलाल भूरिया ऐसे पिता साबित हुए जो अपने पुत्र के विवाह की खुशियों में न तो पूरी तरह शामिल हो पाए, न ही वो आगंतुकों की मेजबानी पूरे समय तक कर सके। अब भूरिया अपने दिल के अरमान दिल्ली में पूरा करेंगे। देश में FDI को लेकर 5 दिसंबर को राजनीतिक दलों के बीच जंग हो रही थी और एक मजबूर पिता केवल अपने भाग्य को कोस रहा था। समझ गए, हम बात कर रहे हैं सीधे साधे लेकिन अजेय योद्धा कांतिलाल भूरिया बनाम कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की। भूरिया के पास क्या नहीं है, वो सब कुछ है जिसकी कामना शायद उन्होंने कभी की भी नहीं होगी। 30 साल से भूरिया जो चाहते हैं भगवान खजराना गणेश उन्हें सहर्ष दे देते हैं। इसीलिए भूरिया खुद अपने पुत्र के विवाह का न्योता लेकर खजराना मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने विघ्नहर्ता को भी आमंत्रित किया था और अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी संभालना थी तो भूरिया कर्तव्य की वेदी पर खड़े नजर आए। भूरिया कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने गच्चे तो खूब खाए लेकिन कभी हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन भूरिया अपने भाग्य के लिखे के सामने 5 दिसंबर को हार गए। वो अपने सुपुत्र संदीप के विवाह समारोह वाले दिन दिल्ली की संसद में रहे। बेटे की शादी के लिए कितनी भी बड़ी सेवा में भूरिया होते तो उन्हें अवकाश मिल सकता था, लेकिन बात इस बार कर्तव्य की है। भूरिया को अपनी उस पार्टी की लाइन पर खरा उतरने का दिन था जिसने उन्हें 2 दशक से मान सम्मान और अनेक पदों से नवाज कर इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब ऐसे में भूरिया चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, वो तो बस लोकसभा में घड़ी को टकटकी लगाए निहार रहे थे। भूरिया का दिल और दिमाग इंदौर की सड़कों पर काल्पनिक रूप से दौड़ रहा था। उन्होंने 4 दिसंबर को जो विवाह स्थल का नजारा देखा था वही नजारा उनके जहन में बार बार पूरे समय घूम रहा था। भूरिया का दिल पिता की भूमिका में था तो दिमाग एक कांग्रेस सांसद के रूप में काम कर रहा था। भूरिया को उनके देर से आने की जानकारी थी, उन्होंने इसलिए सारी व्यवस्थाओं को अपनों को समझा दिया, लेकिन फिर भी पिता का मन मानने को तैयार नहीं था। जो भी हो, भूरिया के सुपुत्र संदीप परिणय सूत्र में बन गए, लेकिन भूरिया के दिल और दिमाग की क्या हालत रही वो तो वही जानते हैं। हम तो केवल गलियारों में चल रही चर्चा के आधार पर महज कयास लगा सकते हैं। बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही अगले अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासों का दौर जारी हो गया है। पूरे प्रदेश भर में 90% जिला एवं नगर अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है और अब बारी प्रदेश अध्यक्ष की है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पार्टी के बड़बोले प्रभात झा को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर किसी प्रभावशाली नेता को। बात पार्टी की करें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो हैट्रिक बनाने के लिए हर दिन नित नए सपने बुन रहे हैं। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। संघ हो या संगठन, दोनों ही अपने अपने स्तर पर तीसरी बार सरकार बने इसके लिए खाका तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में वर्तमान अध्यक्ष प्रभात झा को संगठन की कमान फिर सौंपी जाएगी, ये कहना मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। राजनीतिक गलियारों से जो सुर्खियां छन छन करा रही है उससे तो यही संदेश मिल रहा है कि झा के लिए अब अध्यक्ष बन पाना कठिन डगर है। दरअसल इसके पीछे पार्टी के अंदर मौजूद झा विरोधी भी है। भले ही वो दबे स्वर में कहें लेकिन ये बात उठाते रहे हैं कि अब तक किसी भी नेता को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो फिर प्रभात झा में ऐसा क्या है जिन्हें रिपीट किए जाने की चर्चा की जा रही है। यही विरोधी स्वर संगठन और प्रदेश के मुखिया को सता रहे हैं। न तो संगठन मुंह खोल पा रहा है और न ही मुखिया शिवराज, दोनों ही अपने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मुखिया जी तो चाहते हैं कि वो तब तक चुप ही रहेंगे जब तक उनके सामने नामों के विकल्प न आ जाए। मतलब साफ है, पहले संगठन और संघ नामों पर चर्चा कर ले, फिर वो अपनी पसंद पर मौन रहकर भी सहमति दे सकते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर संघ और संगठन के बड़े नेताओं से राय शुमारी करना है। कुछ खास पदाधिकारी नाम को लेकर निर्णय भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें शिवराज सिंह की हाँ बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। राय शुमारी में झा के संपूर्ण कार्यकाल का विश्लेषण भी किया जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा है कि शिवराज हैट्रिक तो बना लेंगे, लेकिन इससे पहले उनकी जोड़ के अध्यक्ष की चर्चा हो रही है। वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जोड़ी तो शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की ही जमती है और जचती भी है।
पिछला चुनाव भी इस जोड़ी के नेतृत्व में फतह किया गया था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को मिशन 2013 के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे में झा का रिपीटेशन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन पार्टी के पास अभी 9 दिनों का समय है, सारे पत्ते उसी के हाथों में हैं। ऐसे में निर्णय जो भी आएगा उससे वो खुद दुगनी मजबूत दिखाई देगी। शहर में एकाएक ही एक ही दिन में 3-3 हत्या होने से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि कहीं पुराने दिन फिर लौट तो नहीं आए। लोग इसे 302 नामक वायरस की वापसी भी कह रहे हैं। क्राइम ब्रांच को छोड़ दे तो ज्यादातर पुलिस अफसर शहर की इस तासीर से परिचित नहीं है और इनके सामने अब संकट आ खड़ा हो गया है। इंदौर वह शहर है जिसे कुछ समय पहले तक अपराध की राजधानी के नाम से देश और दुनिया में पहचान मिली थी। शहर के मासूम से दिखाई देने वाले अपराधी दोहरे और तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने में ऐसे माहिर हैं कि पुलिस का भी माथा ठनक जाए। शहर में दोहरे और तिहरे हत्याकांड होने का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ। सबसे पहले 5 जनवरी 2008 को एक ही दिन में 2 बुजुर्गों को गुंडों ने मौत दे दी। हालांकि दोनों ही घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हुई, लेकिन गुंडों ने अपनी हैवानियत शहर में फैला दी। इसके बाद गुंडों ने फरवरी 2010 में स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 में क्लिनिक संचालिका डॉक्टर वर्षा वर्मा और उनके कंपाउंडर साथी राम को मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह सबसे ज्यादा कोहराम मचा देने वाला मालाकार हत्याकांड 15 अप्रैल 2010 को हुआ, जिसे इलाके के ही बदमाशों ने अंजाम दिया और मालाकार परिवार को दुनिया छोड़नी पड़ी। बदमाशों ने नशे की हालत में राजेश मालाकार, उनकी पत्नी सुनीता मालाकार और 2 मासूम हार्दिक और नंदन को मौत दे दी। शहर में अपराधी इसके बाद भी खून की होली खेलते रहे और फिर 19 जुलाई 2011 को श्रीनगर में रहने वाले देशपांडे परिवार पर कहर टूट पड़ा। मासूमियत से भरे बदमाशों ने माँ, बेटी और नातिन को मौत दे दी। बदमाशों ने मोहिनी फड़के, मेघा देशपांडे और अश्लेषा देशपांडे की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इसी तरह 6 जुलाई को हुआ 13 हत्याकांड भी सनसनीखेज सुर्खी बना। मरीमाता चौराहे पर 13 हत्याकांड के शिकार हुए अभिभाषक वीरेंद्र पुरोहित, उनके भांजे पीयूष और हिमांशु जोशी। शहर में 3 सालों तक यानी 5 जनवरी 2008 से 6 जुलाई 2011 तक यही माहौल रहा। दोहरे और 13 हत्याकांड से शहर को कुछ दिनों यानी पूरे देर से निजात मिली थी कि अचानक 4 दिसंबर को हत्यारे 302 वायरस ने शहर में फिर दस्तक दे दी। अचानक ही स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में रहने वाले ठक्कर दंपत्ति की हत्या के मामले ने बढ़ते अपराधों की सुर्खियों को एक बार फिर जीवित कर दिया है। अब शहर के पुलिसिया हालात बदले हैं। जब दोहरे और 13 हत्याकांड हो रहे थे, उस समय के पुलिस अफसर शहर से रवानगी दर्ज करा चुके हैं। इस समय जो पुलिस अफसर शहर में तैनात हैं, वो शहर की तासीर को नहीं समझ पा रहे हैं। पुलिस अफसर हर बार की तरह अब ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पुलिस पहले से अपने हाथ पांव कटवा कर पुलिसिंग कर रही है। पुलिस का न तो कोई सामाजिक ताना बाना है, न ही उनके पास विश्वास पात्र मुखबिरों की कोई फौज। पुलिस जितना भी काम कर पा रही है, वो सब पुराने पुलिस वालों और क्राइम ब्रांच के अफसरों की मदद से ही हो रहा है। ज्यादातर मामले में थाने की पुलिस का काम अपराध कायम करने तक सिमट कर रह गया है। 1.5 साल बाद आए 302 नाम के इस वायरस को लेकर एक बार फिर शहर के पॉश इलाकों में रहने वाले संभ्रांत परिवार दहशत में हैं। घटना के बाद से ही गलियारों में डर और खौफ का माहौल बन गया है और चर्चा बस एक ही, क्या वही पुराने दिन कहीं लौट के तो नहीं आ गए। जब से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की कमान कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने संभाली है, उसके बाद से चाहे मंत्री हो या विधायक, अधिकारी वर्ग उन्हें आईना दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। पहले अवैध गुमटियां लगाने वाले मामले में सपोर्ट करने वाले मंत्री हाड़िया को निराशा हाथ लगी, तो अब अतिक्रमण करने वालों के समर्थन में उतरे विधायक सत्यनारायण पटेल की किरकिरी हो गई। तो समझे विधायक जी, बाबा की तरह आप भी मुंह उठाकर कहीं भी जाया न करो। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया जंजीरवाला चौराहे से मालवा मील के बीच तकरीबन 100 से ज्यादा अवैध गुमटी धारकों का पक्ष लेने के मामले में पहले से ही कटघरे में हैं और कमोबेश यही हालत कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल के हो चले हैं। हाड़िया की किरकिरी तो मीडिया ने पहले ही कर दी थी और पटेल की एक सरकारी अफसर ने। दरअसल हाड़िया के कारण ही इंदौर नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा फीडर रोड अधूरा है। उनकी दखलअंदाजी इस कदर हावी थी कि जब जब अमला अतिक्रमण कर लगाई गई सालों पुरानी गुमटियां हटाने पहुंचता है, तब तब मंत्री जी स्थानीय नेताओं के दबाव में आ धमकते हैं। अंततः मीडिया वालों की ओर से हुई किरकिरी और सार्वजनिक चर्चा के बाद कुछ रास्ता खुला।
तो इसी तरह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मकान बना चुके अतिक्रमणकर्ताओं की तरफदारी करने पहुंचे विधायक पटेल की किरकिरी सीधे एसडीएम पूर्णिमा सिंह ही ने कर दी। पटेल अपने मिशन के चलते जिला प्रशासन की सही कार्रवाई में हस्तक्षेप करने पहुंचे थे। विधायक पटेल ने जैसे ही प्रशासनिक अफसरों से कुछ कहना चाहा, तो उधर से तपाक से प्रश्न आ गया, विधायक जी जब अवैध काम हो रहा था तब आप कहाँ थे? इतना सुनते ही विधायक जी का पारा ही चला गया, वो सातवें आसमान से सीधे जमीन पर आ गए। अधिकारी की खरी-खरी ने पटेल के कान के सारे कीड़े झाड़ दिए। विधायक समझ गए कि उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। वो तुरंत ही मौका तलाश कर रवाना हो गए। अब सरकारी अफसर की तो चर्चा हो ही रही है, साथ ही विधायक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस वाक्य युद्ध के बाद कलेक्टर कार्यालय के गलियारों में चर्चा है कि अभी तो ये शुरुआत है, उनके अच्छे काम के बीच विधायक और मंत्री इसी तरह आते रहे तो पुराने दिन लौट आएंगे। क्योंकि ये तो सभी को मालूम है, जिले के कप्तान कोई हल्के फुल्के नहीं, पूरे भारी भरकम आकाश हैं, जिन्हें कलेक्टर त्रिपाठी कहा जाता है। और अंत में बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके निशाने पर यातायात पुलिस के जवान हैं। यातायात पुलिस के सिपाही इन दिनों खासकर उन महिलाओं के निशाने पर है जो ड्राइविंग सीट पर बैठकर नियमों की धज्जियां उड़ाना पसंद करती है। जीरो टॉलरेंस जोन पर तैनात जवानों के मुंह से हर शाम ये बातें सुनने को मिल जाती है। और साथ ही ये भी सुनने को मिल जाता है कि जब कोई महिला अफसर पर भड़कती है तो दबंग कहे जाने वाले अफसर कैसे अपने आप को बचाते फिरते हैं। शहर भर के जीरो टॉलरेंस जोन इन दिनों नई नई कहानियों के कारण चर्चित होते जा रहे हैं। यातायात पुलिस जीरो टॉलरेंस जोन में जो भी फंसता है वो एक कहानी देकर ही रवाना होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि खास के सामने आम इंसान की कहानी को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती। जीरो टॉलरेंस जोन पर तैनात पुलिस कर्मियों की कहानी तो इस कदर निराली हो चली है कि अब उन्हें जीरो टॉलरेंस जोन में खड़े रहने और यहाँ वाहन चालकों द्वारा बनाई जाने वाली कहानियाँ सुनने की आदत सी पड़ गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब यातायात पुलिस का कोई फुर्सती अधिकारी यातायात पुलिस से बचने के 100 नुस्खे भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। यही नहीं, नेता नगरी तो जोन पर खड़े पुलिस कर्मियों पर जबरिया रौब जमाते हैं। वहीं इस काम में महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं हैं। जवान यातायात थाने के गलियारों में खड़े रहकर महिलाओं की हिम्मत की दाद देते भी नहीं थकते हैं। कुछ महिलाएं तो बाकायदा सिपाहियों को धमकाते भी नजर आती है। जीरो टॉलरेंस जोन जब से बनाए गए हैं तभी से कई बार महिलाओं ने सिपाहियों को निशाने पर लिया है। हालांकि इस दौरान बड़े अफसर ज्यादातर समय इधर उधर टाइम पास करने या मोबाइल पर बतियाने का नाटक करते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि यातायात पुलिस को थाने की पुलिस की मदद तक लेना पड़ रही है। ऐसे में गलियारों में तो यही चर्चा है, बच के रहना सिपाही बाबा, बुराई में सबसे पहले अपने विभाग के अफसर ही साथ छोड़ते हैं, ज्यादा भरोसा न करो, और नारी शक्ति का पूरा पूरा सम्मान भी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से मैं आज इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।